जमात इस्लामी की जानिब से इंतखाबी नताइज दुरुस्त करने के लिए दी गई मोहलत खत्म, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, सबको इंतजार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मैदान में आए, कहते हैं इंतखाबी नताइज की ताखीर में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, आसिफ अली जरदारी हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हाफिज़ नईम रहमान को फ़ोन, तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, कहा जमात इस्लामी इंतखाबी मसाइल पर इलेक्शन कमीशन से राबता करे, सिंध हुकूमत से जो मसाइल हैं उन्हें हल करने में किरदार अदा करेंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गई, गवर्नर ने असम्बली की तहलील की समरी मंजूर कर ली, निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक महमूद खान जिम्मेदारियां निभाएंगे। क़याम पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 3 बार असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, 2 मरतबा तहलील हुई, 4 बार सदारती इख्तियार का निशाना बनी। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द, मुस्लिम लीग नून ने कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और खलील ताहिर सिंधु के नाम दे दिए, पीटीआई की जानिब से असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवाब बख्श शामिल। परवेज इलाही की सख्त शराइत, काफ लीग को पीटीआई में जम करने का मामला खटाई में पड़ गया, चौधरी परवेज इलाही का गुजरात चकवाल और गुजरावाला डिवीजन से आधी नशस्तों का मुतालबा, इमरान खान परेशान। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के लिए इस्लामाबाद में मुजाकरात जारी, दोनों ममालिक के माहिरीन शरीक, कल वजारती सतह पर बातचीत होगी। रूसी अहदेदार कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी शोबे में ताबुन के वसी तर मौके हैं। लाहौर समेत पंजाब में सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत, अस्पतालों और फार्मेसीज पर ब्लड बैग्स नायाब हो गए, कीमतों में 50% इजाफा, लेबॉर्टरीज ने टेस्ट के नर्ख बढ़ा दिए। स्टेट बैंक की कमर्शियल बैंकों को खुराक अद्वियात और तेल को तरजीही फहरिस्त में रखने की हिदायत, गवर्नर जमील अहमद बोले बरामदात बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इम्पोर्टर्स अपने बिजनेस के लिए डॉलर्स का खुद बंदोबस्त करें तो कोई एतराज़ नहीं। और क्वेटा में नए साल की पहली बर्फबारी, फूड स्ट्रीट की रौनक बढ़ गई, शहरियों ने मछली स्टॉल्स का रुख कर लिया।